तो आज की क्लास में शुरू करें फिर डाटा के अंदर क्या करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ लिया था रिमूव डुप्लीकेट डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल, अब करेंगे कंसोलिडेट का इस्तेमाल किस तरह से होता है। अब कंसोलिडेट किस तरह से यूज होगा, कंसोलिडेट होता है दो चार डिजिट्स को ऐड करना, या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो, वो किस तरह से करते हैं। पर आपके पास ये मल्टीपल शीट्स होनी चाहिए। जब आपके पास मल्टीपल शीट्स होती हैं या फिर डाटा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, मैंने कहा कि आपको कि इंग्लिश का टोटल कर दो और इंग्लिश और साइंस को आपस में टोटल कर दो, तो कंसोलिडेट करना है। क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट करने के लिए क्या होता है, पहले एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट पे जैसे ही प्रेस करोगे तो ये विंडो आ जाएगी। अब फंक्शन में क्या करना है कंसोलिडेट के अंदर, ये बहुत सारे फंक्शन है, इसका इस्तेमाल कर लो, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, ठीक है। इन सब का क्या काम होता है कि सम करने में पता है आपको, रेफरेंस कहाँ से उठाना है आपने, यहाँ से ये रेफरेंस, आपने कहा कि मुझे इंग्लिश के मार्क्स ऐड कर लो, ये तभी यूज करते हैं जब आपके डिफरेंट डिफरेंट जगह। अब मैथ्स का नहीं करना, मुझे एक छोड़ के साइंस का करना है, जब मुझे साइंस का करना है तो सिलेक्ट करेंगे, ओके, ऐड करेंगे। पहले ऐड करने के बाद क्या करेंगे, बैक स्पेस से, और जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ पे अपने आप ही एड ऑन होके आ जाए, क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्रॉस में टोटल हो गया 96, और इस तरह से आपस में, ठीक है। अगर हाँ प्रोडक्ट से कर सकते हो, फॉर्मूले से फिर प्रॉब्लम्स होती है ना, एरे लगाना पड़ता है, इसमें एरे लग जाता है अपने आप ही, और ये नंबर्स होते हैं, ये फॉर्मूले शो नहीं करते। इसका फायदा ये होता है कि इसमें फॉर्मूला नहीं होता, आया समझ में। जैसे क्या कहते हैं, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट तब भी यूज हो जाता है, मान लेते कि हिंदी के मार्क्स आपके क्या कर रहे हैं, ये कॉपी करके यहाँ पड़े, मुझे कहा कि शीट 4/3 पे चाहिए इसका सम ऑफ, तो क्या करना है आपने, एरिया आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ जाना है, कंसोलिडेट पे। कंसोलिडेट पे जाने के बाद जो भी रेफरेंस आ रहा हो पहले उसे डिलीट जरूर कर लें। शीट 1 पे मैंने कहा कि इंग्लिश के मार्क्स ऐड ऑन कर लो, और ऐड करके एक रेफरेंस डाल दिया। अब जो शीट 2 पे पड़ा हुआ है उसको भी क्या कर लिया, एड ऑन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया एरिया को और ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद रेफरेंस हटा दिया, फिर ओके। ये थर्ड शीट पे क्या हो जाएगा अपने आप, उसका सम ऑफ करेगा। कंसोलिडेट किससे यूज होता है, कंसोलिडेट यूज करने तभी यूज होता है जब आपके डेटा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखी हो, उसको एक जगह पे सम करना है, प्रोडक्ट करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे समझ में चलते शीट वन पे वापसी। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे वर्टी फाइनलाइज सिनेरियो मैनेजर डिफिकल्ट बहुत है। डिफिकल्ट का मतलब ये है कि अगर समझ गए तो डिफिकल्ट नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा सिनेरियो में। सिनेरियो को मतलब क्या होता है, ध्यान देना, एक बार में समझ में नहीं आता सिनेरियो किसी को भी। सिनेरियो को मतलब क्या होता है, ज्यूम करना, ज्यूम करना होता है। मान लेते कि मैंने क्या करना है, सिनेरियो देखना है, सिनेरियो जैसे कि सपोज आपने पिक्चर्स में देखा होता है ना कि अगर कोई चीज पहले बनानी होती है तो पहले उसे प्रोजेक्ट पे दिखाते हैं कि ये चीजें हम बनाएंगे, अगर हम इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इतना इतना फायदा होगा। आते हैं ना इम्प्लॉयज, उनके एक मीटिंग्स होती है बोर्ड की, मीटिंग्स में क्या बताते हैं कि अगर हम इतना इतना पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना मुनाफा होगा। होगा, हुआ नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, इसको सिनेरियो बोलते हैं। वो चीज जो कर रहे हैं वो किसको क्या बोलते हैं, सिनेरियो। अब सिनेरियो मान के चलते हैं, मैं एक सम कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि मैं इंग्लिश के मार्क्स को सम करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 539। अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करूंगा तो इसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा वो बताऊंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, सिनेरियो बनाऊंगा, वो पहले इसको ठीक नहीं करते, इसको खराब नहीं करना, ऐसे बोलते सिनेरियो, इसको भी खराब नहीं करना और सिनेरियो भी बन जाए। सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, कोई भी नाम दे देंगे सिनेरियो को, और जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे वो सारी डिजिट उठ के कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ गई है। आप इसमें चेंजेस कर लोगे, 85 है, आपने क्या करना है, इसको चेंजेस कर देना है, मैंने यहाँ चेंजेस कर दिया, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट डाल दिया। मान लेते हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है या फिर शीट्स वगैरह है, ठीक है, जो भी आपने चेंजेस करनी है वो चेंजेस आपने यहाँ पे दिखा दो, और उसके बाद ओके कर दिया। समरी, एक्चुअल इफेक्ट किस पे देखते हैं, एक्चुअल इफेक्ट जो ऑनर होगा वो किस पे देखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे, कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, मेरा सम ऑफ कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 539 इन डिजिट का। मैंने क्या देखना है, समरी, समरी पे जैसे ही प्रेस करोगे मुझे इफेक्ट किस पे देखना है, इस पे देखना है, तो इस पे क्लिक कर लेंगे और ओके, ये एक अलग सिनेरियो क्रिएट करके देगा, उसको नहीं खराब करा उसने, पहले शीट्स को उसने नहीं खराब करा, देखो 539 ही है, इस पे उसने कोई चेंजेस नहीं करे, और उसने यहाँ पे आके चेंजेस कर दिए हैं। पहले क्या आ रहा था करंट वैल्यू में 539, जो हमने बनाया उसमें क्या आ रहा है, 653, चेंजेस करने के बाद 85 था यहाँ पे, और यहाँ पे 85 भी है, 20 था, 45 हो गया, 40 था, 65 हो गया,
जब हमने ये चेंजेस करेंगे तो कितना इफेक्ट आ जाएगा, 653। पर इसने एक अलग सिनेरियो क्रिएट करके दिया है जो आपकी प्रेजेंट शीट है उसको खराब नहीं कर रहा, पर आप जो ऑनर है या फिर मुझे ठीक लगता है कि इतना इंप्लीमेंट होना चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये ठीक बनाया है, ये मुझे ठीक लग रहा है सिनेरियो। आप जब ऑनर कन्विंस हो जाएगा आपसे कि जी नहीं नहीं ठीक है, आपने ठीक बनाया सिनेरियो, आपने ठीक प्रेजेंटेशन दी है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर दो। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, वापसी सिनेरियो में जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, यही है ना आपका ए, शो कर देंगे। क्या कर देंगे, शो। जैसे आप शो करोगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, सब में 653 यही इम्प्लीमेंट हो रहा था आपका सिनेरियो पे, 653 653, आप ये क्या आ गया 653। तो आपको समझ में आ गया ये, मैं इसको जूम करके दिखा दूं, ठीक है, ये आपका 653 आ गया, सिनेरियो भी समझ में आ गया, यही आपका, ये देखो। अब आ जाते हैं वापसी, ये सिनेरियो समझ में आ गया। अब यार गोल सीखिए, वही लगता है सिनेरियो ये भी आ जाता है जहां पे फॉर्मूले नहीं लगे होते, यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लगे हुए थे तभी वर्क करा है। अगर यहाँ पे फॉर्मूले वाली शीट पे लेके चलते, चलो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं फॉर्मूले वाले शीट वाले पे लेके चलता हूँ, टोटल है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसमें जाता हूँ, आपको यहाँ पे सिनेरियो प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जब चलाओगे आप गोल सीख, ये गोल सीख वो चीज है जो फॉर्मूले पे ही वर्क करेगा, विदाउट फॉर्मूले पे वर्क नहीं। गोल सीख का काम क्या होता है, गोल का मतलब क्या होता है, सिंपल ये बताओ, आपका कोई गोल है ना अचीव करना कि मुझे फौजी बनना है, ये आपका गोल है, ठीक है ना, मुझे कहीं पहुंचना है, ये गोल होता है, ठीक है। और पर डे का भी गोल बनता है, आज मुझे घर जाना है, ये भी आपका गोल है, ठीक है ना, या मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ये भी गोल है। अब क्या है, मुझे इसमें एक नाम दे दिया है, जहां तक आपको पहुंचना होता है उसको गोल सीख बोल दिया। अगर कई बार टोटलिंग में मैडम से गलती हो जाती है ना आपकी, कि भाई साहब ये टोटलिंग तो नहीं मैम ये गलत बनाई है, 469 तो बन ही नहीं रहा, मेरा कितना बन रहा है, 475 बन रहा है, तो आप जाते हो मैडम को चेंज कराने के लिए नंबर। तो अब जब हम एक्सेल में चेंज करते हैं तो पता है कैसे चेंज करते हैं, नॉर्मली आपने बोला कि 475 बन रहा है मैम टोटल, तो आप क्या करोगे, वर्टिफ एनालाइज में जाओगे जहां पे फॉर्मूले लगे होते हैं, ध्यान रखना, और सिनेरियो में कहां पे काम करते हैं, जहां पे फॉर्मूले नहीं लगे होते, सिनेरियो और गोल सीख में जाओगे, वहां पे प्रेस करोगे और इसको कितना बनाना है, मुझे 4675 बनाना है, 475 बनाना है, ठीक है। और जैसे ओके, और बाय चेंजिंग सेल आप बताओगे ना किस क्वेश्चन में मार्क्स कम थे, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम दिए हैं आपने। और मान लेते हैं कि आपने मैथ्स में कम दिए हैं, तो मैथ्स वाले को प्रेस कर देंगे नीचे, और जैसे ओके करोगे तो क्या बना लेगा, 475। टारगेट क्या था उसका, 475 का करंट अचीवमेंट क्या, 475, ओके। ये बड़ी डिजिट पे यूज होता है, अभी तो आपको छोटा ही दिख रहा है सर, इसमें मैं आप ही टाइप कर देते, नॉर्मली यही बढ़ा देते, वैसे बढ़ जाएगा। जब कॉम्प्लिकेटेड डाटा होता है ना हमारे को, तब हम गोल सिक का यूज करते हैं, कम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कम नहीं कर सकते। गोल सिक्स में जाओ, वापसी जाओ गोल सिक्स के अंदर, गोल सिक्स के अंदर गए और यहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं, इस वाले सेल को बनाना 475 है, मुझे इसे बनाना था 460 बनाना था, पर दो सेल्स में एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना, मुझे इसमें कम करने थे, इसमें ज्यादा हो गए, ये लो 460 हो गए, ठीक है, ये समझ में आ गया इन दोनों का, सिनेरियो मैनेजर और गोल सीख। डाटा टेबल बाद में बताऊंगा, इसमें ग्रुप क्या होता है, जैसे कि सपोज मुझे ना किसी को मार्क्स नहीं दिखाने, अपने सब्जेक्ट नहीं दिखाने, तो सब्जेक्ट्स नहीं दिखाने या फिर टोटल का नहीं दिखाने, टोटल ये मार्क्स एवरेज मिनिमम नहीं दिखाने, तो इनको क्या करा, आपस में जाके ना ग्रुप में कर दिया और ग्रुप में माइनस कर दिया ऐसे पास्ट, तो वो हाइड हो जाएगा वो चीज, और मुझे वापसी शो कराना है तो आप यहाँ से प्लस करके शो करा सकते हो। अगर इसे नॉर्मल करना है शीट्स को, क्या करोगे, नॉर्मल करने के लिए वापसी डाटा में जाओगे, मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे, मुझे वापसी डाटा में जाना है और यहाँ पे अनग्रुप कर देना है, ग्रुप आउटलाइन को मॉडिफिकेशन सिलेक्ट करो, एरिया को ज्यादा, ग्रुप में जाओ अनग्रुप कर दो, कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया तो उससे कोई मैटर नहीं करता, कम हो जाएगा तो मैटर कर जाएगा, ठीक है। ये आगे समझ में, शीट्स डाउन आ गई है, वर्किंग में है, ऊपर हो जाएगी, नहीं होगी, हो गई, ठीक है। अब ये ग्रुप और अनग्रुप भी समझ में आ गया। अब देखो ये जो मेन कंडीशन बता रहे हो ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम करने के लिए यूज होता है, क्या, सब टोटल। अब मान लेते हैं मेरे पास क्लासेस हैं जो 10th है और 11th है, 12th है और 12th है, 11th है, 10th तो है ही नहीं, 11th है, 12th है, 11th है और ये फाइनली 12th,
और कुछ टेंथ भी है, ठीक है। इनको सिलेक्ट करके पूरी शेडिंग को फास्ट सिलेक्ट करके हो सॉर्टिंग कर लिया। सॉर्ट में जाएंगे और मुझे क्या करना है, क्लास को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लेना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये टेंथ टेंथ एक साइड हो गई, इलेवेंथ एक साइड हो गया, और ट्वेल्थ एक साइड हो गया। अब आपकी कंडीशन क्या रहती है, या फिर क्लास में या फिर कहीं पे भी आप जाते हो तो कंडीशन क्या रह जाएगी, मुझे टेंथ क्लास का टोटलों का टोटल अलग देखना है। इन दोनों को आपस में टोटल करके एक सेपरेट शीट पे दिखा दे, सेपरेट प्लेस पे दिखा दे, शीट पे नहीं यहीं पे दिखाए, अलग करके 4 6 0 को 4 1 6 को टोटल करके दिखा दे। ऐसे ही इलेवंथ क्लास का करते, ऐसे ही ट्वेल्थ क्लास का कर दे। तो आपने सेलेक्ट करना है पूरी शीट को प्रॉपर, और यहाँ पे सब टोटल पे जाना है आपने। और यहाँ पे देखो बड़ा अच्छा ही है, इसे समझ लो बड़ा ही आसान है फॉर्मेट। मैंने किसके हिसाब से बोला करने के लिए, क्लास के हिसाब से, कि टेंथ क्लास का डाटा अलग कर दे और इलेवेंथ का अलग कर दे, ट्वेल्थ का अलग कर दे। और करना क्या चाहिए, वो टोटल या सम या काउंट, ये फंक्शन आप चूज कर सकते हो, जो भी करना है। काउंट कराना है काउंट कर देगा, सम करना है सम करना है, एवरेज करना है एवरेज कर देगा, सब पे प्रेस कर दिया। और किसका करें सम, यहाँ पे किसका करना चाहिए सम, मैं चाहता हूँ टोटल का बोल रहा है मैंने, तो टोटल ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, या टोटल पे टिक मार दो। एक साथ मल्टीपल भी टिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं टोटल एवरेज मैक्सिमम मिनिमम एक साथ कर सकते हैं। जैसे ओके करोगे, ये देखो मैं शीट को थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ, ये देखो 100% पे रखते हैं, ये देखो ये प्रिंटेड लेआउट में आ गया। इसको नॉर्मल व्यू ले लेते हैं हम, ग्रिड लाइंस पे बिल्कुल। आप ये देखो शीट टेंथ का जो डाटा आ रहा है, ये देखो 876 का, ऐसे 11 का देख लो, 1145, ऐसे 12 का देख लो, लिखा हुआ आ जाएगा। और इसने एक चीज और कर दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये देखो, माइनस कर दोगे टेंथ का डाटा हाइड हो जाएगा, इसमें प्रेस कर दोगे हाइड हो जाएगा, इसमें प्रेस कर दो सिर्फ 12 12 का दिखेगा, ग्रैंड टोटल दिखेगा फाइनली। कुछ नहीं देखना, सिर्फ फाइनल ग्रैंड टोटल दिखेगा, ये कोई डिजिट नहीं है, इसे हटा दो। क्या वापसी देखना है तो प्लस कर दो, एड ऑन, तीन लेवल्स बनाया है उसने, ठीक है। नॉर्मली आप क्लिक करके इसे नॉर्मल बनाना चाहते हो तो इस शीट पे प्रेस करो, डाटा पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा, सब टोटल, या तो अनग्रुप कर लो वन बाय वन टाइम, तो वन बाय वन तो टाइम लगेगा सब टोटल पे प्रेस करके। ओके करो यहाँ पे, और यहाँ पे रिमूव ऑल आ रहा है, जैसे आप रिमूव ऑल पे प्रेस करोगे तो डाटा पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाएगा आपका पहले से, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया ज्यादा हो गया थोड़ा सा लंबा, और ज्यादा ऑप्शन भी हो गए। कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन क्या है, सिनेरियो गोल सिक, ये दो करने हैं इसमें से, ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल, और यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये 4 5 चीजें करके आनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है डाटा को एनालाइज करने में, बहुत ज्यादा रोल्स इनका प्ले होता है, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, ठीक है, थैंक यू बोल दें, थैंक यू सब्सक्राइब भी बोल रहे हैं क्या, अरे वो उनकी मर्जी है।